ट्यूशन एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो। माय नेम इज प्रकाश दे। पिले आज हमें क्लास नाइन्थ ज्योमेट्री पार्ट चैप्टर नंबर वन। एक्चुअली आम वन डी जो एक्सरसाइज ताकू ही सॉल्व करिया पाई जाऊँ। ठीक अच्छे ना, वन डी को एक्चुअली सॉल्व करिया पाई जाऊँ। तो फिर आरंभ करिया पूर्वर आउ किसी कथा कही रखें। पूर्व आम वन सी समस्त क्वेश्चन ऑलमोस्ट समस्त क्वेश्चन गोटे दुईटा जोटा कि सिमिलर क्वेश्चन थी जब तक स्किप कर दी जाए दैट इज सेपरेट इश्यू ना प्राय मुझे सल्व कर डिस्कस कर। आज आम वन डी एक्सरसाइज को डिस्कस करवा। ठीक अच्छे ना, किसी क्वेश्चन थी जब सेम सिमिलर पैटर्न थी आम जनरली स्किप करदेव। ओके देखा आरंभ करने पूर्व आउ थे कही रखुच्छे इ ट्यूशन हूँ गोटे डिजिटल लर्निंग प्लाटफर्म जो तुमने तुमको प्रत्येक सब्जेक्टर भिडियो लेक्चर पाइपर। ठीक अच्छे पिले, तेज आरंभ करवा आउ टाइम वेस्ट न करी सीधा टॉपिक ऊपर को जीवा। कौन अच्छे प्रथम देखीद। देखो वन डी क्वेश्चन नंबर वन टिक आउ भूल चिन्ह दवापाई से कहे जदि सेंटेन्सटा ठीक अच्छे जदि उक्तिटा ठीक अच्छे ताकि ठीक चिन्ह दवा जदि उक्ति भूल अच्छी आम भूल चिन्ह दवा। प्रथम पढ़ी ना कौन अच्छी देखा। से कहे कौन से त्रिभुजर दुईटी कोणर परिमाणर समष्टि तृतीय कोणर परिमाण सह समान हेले त्रिभुजटी समकोणी त्रिभुज। देखो तुमको जना थ हाँ ठीक हम भूल हम तुमको जना भाँच किंतु मु कौन कहना चाहूँगी जे कौन भी उक्ति को ठीक बा भूल मानि ना पूर्वर टिके एक्सपेरिमेंटली तुम निजे ट्राए करनी जे एक्चुअली कौन घटना तार हो। ठीक अच्छे, सपोज से समकोणी कही ना, सपोज गोटे त्रिभुज मुझे जानी एटा समकोणी की आउ कौन मत जाना ना। ठीक अच्छे ना, मत जाना ना, मुझे गोटे त्रिभुज एमती गोटे अंकन कल कहे छोटिया डेडी गोटे अंकन कर तुमको बुझे खाली कहवापी। ठीक है ना, सपोज ए बी सी गोटे त्रिभुज। ठीक अच्छे ना, मानि ना केमी से समकोणी त्रिभुज कि कौन खाली एमती पढ़े दे कि बहुत कौन कहते पिले ना खाली क्वेश्चन पढ़ देखा हाँ ये ठीक ये भूल मानि ना पूर्व टी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दरकार। ठीक अच्छे ना, टी जुक्ति कर कौन कौन से है देखा। से कहे कौन त्रिभुजर दुईट कोणर परिमाणर समष्टि दुईटा कोण धर जाओ मुझे धरले जो दुईटा कोण समष्टि तृतीय कोणर परिमाण सह समान हेले। ठीक अच्छे ना, त्रिभुजटी समकोणी त्रिभुज दैट मीन्स धर जाओ एम दुजर जोगफल बी प्लस सी को माननीय तार रेजल्ट होते ना तार केते डिग्री हो बी प्लस सी इज इक्वाल टू माननीय एक्स डिग्री आमको जाना ना कैसे डिग्री समकोणी कि कौन आमको जाना ना। ठीक अच्छे ना, समकोण हम 90 डिग्री हम कि ना आमको जाना ना। से कहते ए दुईटार जोगफल क्या सहित सामान ना ए सहित सामान एंगल ए सहित सामान दैट मीन्स बी आउ सी को मुझे जोग कलर पाइली के ना एक्स डिग्री तो ए कोणर परिमाण कैसे डिग्री हो एक्स डिग्री। ठीक अच्छे, ये कथा बुझीगला आमको जना अच्छी ए कोण प्लस बी कोण प्लस सी कोण इज इक्वाल टू 180 डिग्री। ठीक अच्छे ना, ओके तेरु मुझे ए जगार लिखी कैसे डिग्री बिले ना एक्स डिग्री बी प्लस सी जगार लिखी हूँ एक्स डिग्री हुई इज इक्वाल टू 180 डिग्री मत मिलला कौन ना 2x डिग्री इज इक्वाल टू 180 डिग्री दैट मीन्स एक्स इज इक्वाल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वाल टू 90। तो एक्स मूल्य मुझे ये एक्स गोटे कोण पाइल समकोण 90 डिग्री आउ ये जो दीज बी आउ सी को मिसेले मत मिल जोग कले मत मिल 90 डिग्री। जदि समकोणी त्रिभुजर प्रॉपर्टी कहूँ त्रिभुजर जेकोसी गोटे कोणर परिमाण 90 डिग्री है आम समकोणी त्रिभुज बोली कहू एटी आम पाई केवल ए हूँ एकुटिया 90 डिग्री दैट मीन्स ए बी सी गोटे समकोणी त्रिभुज तेणु ए उक्ति ठीक अच्छे बुझीगला। देख मो कह कथा हूँ कौन भी क्वेश्चन को तुम सल्व करने पूर्व एमती टी जुक्ति बाढ़। ठीक अच्छे ना, तापर क्वेश्चन को सल्व कर सो दैट तुम्हें फर्दर क्या जी कह सान भाई भौणी कौन तुम क्लास पिला कह जदि तो से जुक्तिमूलक भाव में प्रमाण कर एक्चुअली हाँ से होना ना एमती खाली डायरेक्टली कही दिवन तो ये ठीक यहाँ भूल रईट जुक्ति बाढ़ी तापर कह से कौन कौन त्रिभुजर दुईट कोणर परिमाण समष्टि तृतीय कोणर परिमाण ठार बृहत्तर हेले त्रिभुजटी सूक्ष्मकणी सूक्ष्मकणी। से कहे त्रिभुजर कौन त्रिभुजर दुईट कोणर परिमाणर समष्टि तृतीय कोणर परिमाण ठारू बृहत्तर हेले त्रिभुजटी सूक्ष्मकोण सेम सिनारियो सब गुड़ाक मुझे कहूँ तुम्हें निजे निजे भी एमती चेक कर बस। ठीक अच्छे ना, सब कु एमती चेक कर सपोज ए बी सी नी एत आम प्रमाण करवा दरकार कर बर्तमान मुझे कहूँ निज तरफ नि सपोज मुझे गोटे नी हूँ यहाँ को 50 डिग्री नहीं 60 डिग्री तो 60 प्लस 50 के सार 110 डिग्री तो आउ जो कोणटा रहीगला
ଆଉ ଯେଉଁ କୋଣଟା ରହିଗଲା ସେଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ? ନା ସାର୍, 70 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ, ଏହି ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳ ତୃତୀୟ କୋଣ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ନା ନୁହେଁ? ସାର୍ ବୃହତ୍ତର। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ତାହେଲେ? ଦେଖ, ୟାକୁ ଏପଟେ ପ୍ରୁଫ୍ କରାଯାଇନି, ମୁଁ ଖାଲି ତୁମକୁ କହୁଛି ଫିଗର୍ ନେଇକି ପ୍ରୁଫ୍ କର, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କର ନିଜ ତରଫରୁ, ଦେଖ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କେସ୍ ନେଇକି ଦେଖ ହୁଏ, ନହେଲେ ୟାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁଛ ୟାର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଲଗା ପଟେ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଗୋଟିଏ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିବ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁ ତା'ର ବୃହତ୍ତର ମନେ ଅଛି ଥିବ, ତୁମର ବହୁତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରୁ ପଢ଼ିଥିବ, ନର୍ଥ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 9, 8 ଓ ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼ି ସାରିଥିବ, 6, 7 ଆଡ଼ୁ ପଢ଼ି ସାରିଥିବ, ସେଇଠି ତାକୁ ନେଇ ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁ ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଅ, ସପୋଜ୍ ମାନିନିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଧରିନିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ତୁମର 110 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଇଟ୍? ତ ଏଇଟାକୁ ମାନି ନେଲି ମୁଁ ଧର 40 ଡିଗ୍ରୀ, 110 + 40 କେତେ ହେଲା ପିଲା? 150। ତ ଏଇଟାକୁ କେତେ ହେଇଥିବ? ନା ସାର୍, 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖିଦିଅ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ କେସେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣର ପରିମାଣ ତୃତୀୟ କୋଣ ଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି, ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ ହେଉଛି ମୋତେ 70 ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସାନ କାହାଠୁ 110 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା କହିଛି ଏଇଟା କେବଳ ପସିବୁଲ୍ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣି ତ୍ରିଭୁଜ କେସେସ୍ରେ ପସିବୁଲ୍। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣି ତ୍ରିଭୁଜରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ କୋଣ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ହେବ, କ୍ଲିଅର? ଚଲ, ତ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟା ଅଛି ଏଇଟା ବି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯିବା, ହେମିତି ସେମିତି ନିଜେ କିଛି ପଢ଼ିଥିବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୁଫ୍ କରେଇବିନି, କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା, ବାକି ନିଜ ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ମୁଁ ତ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲି, ତୁମେ ଆହୁରି 4-5ଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ବି ପାଇଁ ଆଉ 4-5ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଅ, ନିଜ ତରଫରୁ ନିଅ, ଗୋଟେ ସମକୋଣି ନେଇକି ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ କହିଛି ବୃହତ୍ତର, ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିଦେବ ନା, ସମକୋଣି ହେଲେ ତୁମର ଇକ୍ୱାଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ପ୍ରାୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଦେଖିବା, ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବହିଷ୍ଠ କୋଣର ପରିମାଣ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସି, ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବହିଷ୍ଠ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ, ଏହାର ଉପପାଦ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିସାରିଛେ, ତେଣୁ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବହିଷ୍ଠ କୋଣ, ଏହାର ପରିମାଣ ର ସମଷ୍ଟି, ଏହାର ପରିମାଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା, ସପୋଜ୍ ଏ ବି ସି ହେଲେ ଏ ଆଉ ବି ହେଉଛି ତୁମର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ? ତ ଏ ଆଉ ବି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ଆମେ ଏହାର ଉପପାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛେ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି ଡି ବା ସି ବହିଷ୍ଠ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଫେରେ ଏ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଲ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଡି, 1D, ଓକେ, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିପାରିବ, ଏଇଟା ଜାଣିଛେ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକ୍ କରୁଛି, ତଥାପି ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ, ତୁମକୁ ଜଣାଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସପୋଜ୍ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନେଇଯାଅ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ ନେବ, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ବି ନେବ, ଜଷ୍ଟ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଅ, 91 ଡିଗ୍ରୀ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମିଶିକି 89 ଡିଗ୍ରୀ ନା, ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ନହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 89 କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ତା'ମାନେ ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ରହିପାରିବ, ସର୍ବାଧିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିପାରିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କେତେଟା ରହିପାରିବ ନା? 3ଟା ରହିପାରିବ, ସର୍ବାଧିକ 3ଟା ରହିପାରିବ, ଅତି କମ୍ରେ ସେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଅତି କମ୍ରେ ତ 2ଟା ହିଁ ଆସିବ ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଗଲା। ତ ଫେରେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିପାରିବ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସର୍ବଦା 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଆକୁ ଆଉ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବହୁତ ଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଛୁଆବେଳେ, ତୁମର ହେଉଛି 3-4 କ୍ଲାସ୍ ଠୁ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ଆସୁଥିବ, ଯେବେଠୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରିବା ଶିଖିଥିବ ସେବେଠୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଓକେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସମକୋଣି ତ୍ରିଭୁଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଆଚ୍ଛା ପିଲା, ଗୋଟେ ସମକୋଣି ତ୍ରିଭୁଜ, ଆଗେ ଗୋଟେ ସମକୋଣି ତ୍ରିଭୁଜ, ଦେଖ ସବୁବେଳେ ନା ଏମିତି ରଫ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କେଚ୍, ରଫ୍ ସ୍କେଚ୍ ଏମିତି କରୁଥାଉ, ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ ତୁମର, ଗଣିତ ବିଭାଗର ବିଶେଷ କରି ଜିଓମେଟ୍ରି ପାର୍ଟର ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ, ଦେଖିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରଫ୍ ସ୍କେଚ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ହାତରେ ଟାଣି ଗୋଟେ ଫିଗର ତୁମକୁ ବା ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେ ଅଙ୍କନ କର, ସେ ଅଙ୍କନ ହିଁ ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବ ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବା, କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ କ'ଣ କରିବା। ଯେମିତି ତୁମର ମନେ ଥିବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କେସେସ୍, ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କନ ଆମେ କରୁ, ତୁମର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର୍ ଥିବ ଅଙ୍କନ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସେଠି ଯେଉଁ କରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆଗେ ରଫ୍ରେ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉ, ଏଇଟା ଏ ବି, ଏଇଟା ବି ସି, ସେଇଟା ସି ଏସି ବା ସିଏ, ତା କେଉଁ ଧର ବି ସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ବି କ'ଣର ପରିମାଣ ଦେଇଛି, ତା'ପରେ ଏସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ତା କେମିତି କେଉଁଟା ନେବା, କେଉଁଟାକୁ ଭୂମି ନେବା, କ'ଣ ଆଗେ ଗୋଟେ ରଫ୍ ସ୍କେଚ୍ ବନାଉ ନା,
एक्जाक्टली मोर कहवा कथ हूँ प्रत्येक जमीती विषय अच्छी अर्थ प्रत्येक जगह रफ स्केच बनाओ से तुमको बहुत हेल्प कर। अच्छा देख गोटे समकोणी त्रिभुज सूक्ष्म कोण विभाग परस्पर परिपूरक। अच्छा यहाँ मोर का हूँ समकोण ताले अर्थात ए प्लस सी इज इक्वाल टू केते डिग्री पे कहल 90 डिग्री कहीं बी हूँ 90 डिग्री ए दुई जन मिसले हूँ 90 डिग्री त्रिभुज तीन कोण परिमाण समष्टि हूँ 180 डिग्री तेणु ए प्लस सी है मोर 90 डिग्री। अच्छा देख 90 डिग्री अर्थ इच एंड एवरी प्रत्येक ए हो बा सी हो प्रत्येक सूक्ष्म कोण हे ना स्थूल कोण हे ना सूक्ष्म कोण हे। अच्छा छाड़ ता कथा भी आम सूक्ष्म कोण कथा भी छाड़ी दी जन मिसी के 90 डिग्री तो ये परिपूरक हेले ना अनुपूरक हेले तेनाली जगह जदि परिपूरक जगह जदि अनुपूरक लिखाई था तो स्टेटमेंटा ठीक था कितु जेहतु ये परिपूरक अच्छी अर्थात ए आउ सी मिसी के मोर एक्चुअली ना 180 तो जोटा कि पसिबुल नुहे कहीं त्रिभुज दुईटा कोण समष्टि के 180 डिग्री हो पार ना जदि 180 दुईट कोण समष्टि जब 180 डिग्री होती है तेज त्रिभुज गोटे अंश नुहति एटा तो निश्चित कथा ठीक अच्छे मैंने अंतस्थ पट नुहति। ओके देखा तो मैंने ए सेंटेन्स स्टेटमेंटा कौन है मोर भूल ठीक अच्छे पीने त्रिभुज बहिस्त कोण सर्वदा एक स्थूल कोण ना ये जिनस भी भूल एटा भी भूल सर्वदा हेनी हाँ त्रिभुज बहिस्त कोण एक स्थूल कोण हो पाए से स्टेटमेंट ठीक अच्छे कह सब जे से तुम कौन कौन स्थूल कोण हम सेमती ना मुझे एग्जांपल देवी जो सूक्ष्म कोण बाहर त्रिभुज बहिस्त कोण सपोज कमती ना ठीक अच्छे। ओके 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 गुड गुड आइडिया मुझे ये लाइन टाक खाली बढ़ाई दिव बर्तन देखो ये जो एंगलटा नेमिंग भी करदे ए बी सी एटाकली हूँ डी धरीद बी कौनटा एटा गोटे ए बी सी गोटे स्थूल कोण त्रिभुज बी कौन हो स्थूल कोण तार परिमाण मान्य हूँ 120 डिग्री 120 डिग्री तो देख सी डी हूँ गोटे सरल रेखा सी डी हूँ सरल रेखा तो मैंने यहाँ सरल रेखी कौन तो ये ए बी डी बहिस्त ये कोणटार परिमाण कैसे हम 60 डिग्री बर्तमान देख ये बहिस्त कोण ए बी सी त्रिभुज बहिस्त कोण है किए ना ए बी डी किंतु से गोटे सूक्ष्म कोण तेनाली जो सेन्टेन्स गोटे जगह भूल होती सर्वदा जदि ये था त्रिभुज बहिस्त कोण एक स्थूल कोण हो पाए तो सेन्टेन्स ठीक अच्छे किंतु ये जो सर्वदा लगे से भूल उक्ति उपर क्वेश्चन सेमती परिपूरक ये भूल है जदि ये अनुपूरक लिखाई था तो ठीक होता है से गुड़ाक तुम मार्क कर मोह कहता हूँ क्वेश्चन मैक्सीम तुम सल्व कर एमती छुटिया छुटिया किसी ना किसी बाहर बर्तन मुझे जानते ये क्वेश्चन आहुरी किसी जगह बही रहता एक्चुअली टेक्निकाली किसी टर्म अच्छे जो तुमको कहवाई पड़ो मे भी तुम्हें रेकग्नइज कर पार आगर तापर देख त्रिभुज बहिस्त कोण परिमाण यार प्रत्येक अंतस्थ दूर दूरवर्ती कोणर परिमाण ठार बृहत्तर मानने प्रत्येक बृहत्तर एग्जांपलटा को लेकिन चल जो फिगरटा मुझे ड्र कर बर्तमान से लेकिन चल जना पड़ो देख यहीटा जदि मोर 120 डिग्री है ए आउ सी दुई जन मिसिकी कत डिग्री हे ए प्लस सी इज इक्वाल टू 60 डिग्री हे तम जदि ए रिमाण 1 डिग्री भी हुए ना तो देख सी रिमाण 59 डिग्री सर्वनिम्न ए रिमाण हूँ सर्वनिम्न बर्तमान नहीं 1 डिग्री नहीं जाइए रईट तो एक शेष देख यूँ बहिस्त कोणटा ए बी डी बहिस्त कोण ठारू बहिस्त कोण टी ए ठार भी बृहत्तर सी ठार भी बृहत्तर आरे दुई जन को मिसेले तृतीय जनकर बयस सपोज तुम दुई जन सांग अच तुम पाखापाखी तुम दुईज तुम दुईज बयस मिसेले मोर बयस तेल डेफिनेटली मोर बयस तुम मान बयस प्रत्येक बृहत्तर हम ना सेम सिचुएसन ये तो फेर ए उक्ति मोर ठीक अच्छे ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन अच्छे से कहते शून्य स्थान पूरण कर बहुत इजी अच्छी ठीक अच्छे देखा शून्य स्थान पूरण कर गोटे समकोणी त्रिभुज सूक्ष्म कोण द्वय मध्य गोटिकर परिमाण 30 डिग्री हेले अंटर परिमाण कैसे। अच्छा आम टी आगे कहते समकोणी त्रिभुज सूक्ष्म कोण द्वयर परिमाण अनुपूरक हम मुझे टिके आगे कही परिपूरक देखा जोटा को भूल लिखी भूल बोली कही परिपूरक देखा जो भूल बोली कही उक्तिटा ठीक अच्छे ना मुझे कौन जदि से अनुपूरक लिखिदेव तो ठीक अच्छे तमें आम जानले कौन समकोणी त्रिभुज समकोण भिन्न अन्य जो दुईटा कोण रहिला ठीक अच्छे ना से दुईटा होती सूक्ष्म कोण
ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ। ତ ଯତିରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ଅନ୍ୟଟି କେତେ ହେବ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଫିଗର ହିସାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦେଖିଦିଅ, ଗୋଟେ ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏମିତି ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସପୋଜ୍ ଏଇଟା 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ପିଲେ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ସାର୍। ତ ସରିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଇ ହେବ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାହାପରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ 130 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣର ପରିମାଣ 75 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ। ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ 130 ଡିଗ୍ରୀ। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏମିତି ରଫ୍ରେ ନେଇଗଲି, ଫିଗର ବନେଇଦେବ ପିଲେ ବହୁତ ଇଜିଲି ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଯିବ। ତୁମକୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏମିତି ପଢ଼ୁ 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 ମନେ ରହିଯାଏ, ମାନେ ଘୋଷା ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ରୋଟ୍ ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କିଛି ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଫିଗର ବନେଇ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠି ନ ହେଉଛି, ବହିଷ୍ଠ କୋଣ ଦେଇଦେଇଛି 130 ଡିଗ୍ରୀ। ସେ କହୁଛି ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ବହିଷ୍ଠ କୋଣର ପରିମାଣ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 130 ଡିଗ୍ରୀ। ସେଥିରେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି 75 ଡିଗ୍ରୀ, ସପୋଜ୍ ଏକୁ ଧରିନିଅ 75 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଫେରେ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଲି ପିଲେ 75 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 130 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 130 ମାଇନସ୍ 75 କେତେ ହେଲା ନା 55 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ସି କ'ଣ, ସରି ସି କୁଆଡ଼େ ହେଲା କି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଗଲା, ଦେଖିଲ ସରି ହାଁ ସରି ସରି ସରି, ମୁଁ ତ ସିକୁ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଛି ଜୋସ୍ରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଏମିତି ମାଇନର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସରି ଦେଖ। ତ ଫେରେ ବି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେଲା ପିଲେ 55 ଡିଗ୍ରୀ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣକୁ ଯୋଗ କଲେ ହେବ 130 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 130 ଡିଗ୍ରୀ। ସେଥିରୁ ଏକୁ ଧରିନେଲି, ଧରାଯାଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏସିଡ଼ିର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କିଏ, ଏ ଏବଂ ବି। ତ ଫେରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ଜାଗାରେ 75 ଲେଖିଦେଲି, ବି ଜାଗାରେ, ବି ତ ମୂଲ୍ୟ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ବିର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି, ତ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 130 ମାଇନସ୍ 75 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 55 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଅନ୍ୟ କୋଣଟା କେତେ ହେବ 55 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଠି କେଉଁ ଉପାଦ ୟୁଜ୍ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ରଖିଦେବି ଦରକାର କରେ ନା, ତ୍ରିଭୁଜର ବହିଷ୍ଠ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ସେ ଉପାଦ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଦେଖ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କେତେ ନମ୍ବର ପିଲେ, ସି ନମ୍ବର। ସି ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 55 ଡିଗ୍ରୀ, ଏର ପରିମାଣ କହୁଛି ସେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 55 ଡିଗ୍ରୀ, ବିର ହେଉଛି 75 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସିର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜ କର। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ତୁମର 55 ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 75 ହୋଇଗଲା, ତ 75 ଆଉ 55 ମିଶି କେତେ ହେଲା, ଏଠୁ 130 ଏଇଟା କେତେ ହେବ ଆଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇ ହେବ 50 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ କିଛି ବୁଝିବାର ସେମିତି ନାହିଁ, ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, ତ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖୁଛି ହାଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ କୋଣ ଏ କୋଣଟା ହେଉଛି ଯଦି ତୁମର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କହିଛି, 90 ଡିଗ୍ରୀ ବନେଇ ନିଅ, ବନେଇ ପାରିବ ତୁମେ ଏମିତି ରଫ୍ଲି 90 ଡିଗ୍ରୀର ପୁରା କମ୍ପାସ୍ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରି ତାକୁ ବନେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ କୋଣଟା କହିଛି ମୋର କ'ଣ କହିଛି, ଏଥର ଯେଉଁ ଏ ବି ସି ଏଇଟା ହେଲା, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ପିଲେ, ସେ କହୁଛି ବି କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟାକୁ ମାରିଥର, ବି କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ସି କ'ଣ। ଯଦି ସିଟା ଆମର ଏକ୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ତାହେଲେ 2 ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ସି ଲେଖିବା ଯାହା 2x ଲେଖିବା ଏକା କଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଏ ଏକ୍ସ ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି 2x, ଠିକ୍ ଅଛି, ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ସି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଖାଲି କହିଲ ବି ପ୍ଲସ୍ ସିର ପରିମାଣ କେତେ, ନା ସାର୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ, କାହିଁକି ନା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଅନୁପୂରକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଫେର୍ ବି ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବ ପିଲା କେତେ ନା 2x, ସି ଜାଗାରେ ତ ଲେଖିବି ହେଉଛି ଏକ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତ 3x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 3 କେତେ ହେବ ପିଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି 30। ତ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା କ'ଣ ନା ସି କୋଣର ପରିମାଣ ପଚାରିଥିଲା, ତ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ହୋଇଗଲା ମୋର 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସି ଏବଂ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ହେଲେ ବିର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ହଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ଜାଣିଛ, ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ବାହୁର ବିପରୀତ କୋଣମାନ ସମାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କଥା। ଦେଖିବା, ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ, ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲା,
से कहूँगी ए बी इज इक्वाल टू ए बी इज इक्वाल टू ए सी राइट ए बी बाहूटा आई थिंक ए बी इज इक्वाल टू ए सी हाँ भलसे चेक कर दिए कहीं मिस्टेक हो ठीक है ना ए बी इज इक्वाल टू ए सी अच्छे मेजरमेंट अफ एंगल ए इज इक्वाल टू 60 डिग्री अच्छा ए जदि मोर 60 डिग्री है ठीक अच्छे ना हेले कौन बी रिमाण निर्णय कर बी रिमाण निर्णय कर अच्छा देख कत नंबर एटा पे एफ ना अच्छा देखिए मुझे गोटे कह चुना मुँह कही थी ना समान द्विबाहु त्रिभुजर समान बाहूर विपरीत कोण मान समान तो देख समान बाहू किए ना एसी एसी विपरीत कोण मुझे एमती ड्र करदे डबल लाइन दे दूँ ठीक अच्छे ओके पुणी एसी समान बाहू किए ना एबी एबी विपरीत कोण किए पे भलसे चेक कल ना हूँ ये दुटा तो ये दुटा कोण परिमाण समान हम दैट मीन एंगल बी इज इक्वाल टू एंगल सी हम ठीक अच्छे अच्छा बी प्लस सी के पे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वाल टू 120 डिग्री कहीं त्रिभुजर तीन कोण परिमाण समस्ट होती 180 डिग्री से गोटे ए कोण तो 30 डिग्री जा सारी तो फेर हो बी आउ सी दुई जन मिसले के 120 डिग्री जदि बी रिमाण एक्स हुए तो सी भी एक्स हम ना नहीं दुज इक्वाल अच्छा ना तो फेर कह कथा ए बुझी तो कह कथा एक्स प्लस एक्स है टू एक्स इज इक्वाल टू 120 डिग्री और एम्प्लाइज एक्स इज इक्वाल टू 60 डिग्री तो फिर बी जगार लिखिदेवी हूँ 60 डिग्री सी भी हूँ 60 डिग्री अच्छा जदि एम समस्त 60 डिग्री हेले तेब मत कह जे एम समस्त कत डिग्री हो 60 डिग्री हेले एटा कि प्रकार त्रिभुज ना सर एटा हूँ कौन हम भाव एटा हूँ समबाहु त्रिभुज कहीं कहल ना जहाँ फल जदि सब कोण परिमाण 60 डिग्री तेल सब बाहूर भी परिमाण सामान हम सब बाहूर भी परिमाण देख समकोणी त्रिभुज ए समबाहु त्रिभुज कौन हुए ना सब बाहू भी सामान हुए सहित सब कोण भी सामान हुए और प्रत्येक कोण परिमाण कत डिग्री हुए 60 डिग्री कहीं प्रत्येक कोण जब सामान होगा गोटे कोण जब एक्स है एक्स प्लस एक्स इज इक्वाल टू 3x 3x इज इक्वाल टू 180 डिग्री आल एक्स मूल्य के 60 डिग्री ठीक अच्छे ना ओके देन क्वेश्चन नंबर जी कौन सी गोटे त्रिभुजर शीर्ष कोण परिमाण 120 डिग्री ये गोटे त्रिभुज बनाई दूसरी गोटे शीर्ष कोण परिमाण हूँ 120 डिग्री यहाँ धर तार शीर्ष कोण ठीक अच्छे यार परिमाण दे 120 डिग्री तुम यहीटा को नहीं पार कौटा को भी नहीं पार अच्छा जदि ये 120 डिग्री है बाकी जो दुईटा कोण रहीगला ये दुईटा कोण समष्टि के आगे नेमिंग देदेटा सब बेटर हम दैट मीन बी प्लस सी के बिले बी प्लस सी इज इक्वाल टू 60 डिग्री ठीक अच्छे से पुणी कही अन्य दुई कोण परिमाण सामान दैट मीन बी इज इक्वाल टू सी ठीक अच्छे ना तो फिर बी जदि एक्स हुए सी भी एक्स हम तेने एक्स प्लस एक्स इज इक्वाल टू 60 डिग्री टू एक्स इज इक्वाल टू के बोले ना 60 डिग्री तो एक्स इज इक्वाल टू 30 डिग्री तो बी जगार लिखिदेली हूँ 30 सी जगार लिखिदेवी 30 सी मत पचार कौन ना प्रत्येक कोण परिमाण पचार तो आउ बाकी जो कोण गोटे दुटा रहीगला प्रत्येक होती 30 डिग्री क्लीयर देन ए बी सी त्रिभुज ए बी इज इक्वाल टू ए सी दुटा बाहू सामान दे जाए बी कोण परिमाण से कही 30 डिग्री ठीक अच्छे ना बी कोण परिमाण कत डिग्री कहला 30 डिग्री हेले ए कोण परिमाण निर्णय कर देख मु तुमको कही डायग्राम बनईकी फिगर बनईकी क्वेश्चन सल्व कर बहुत इजी देख आमको जाना ना से कौन एक्चुअली पचारूँ स्पेसीफिकली कहीहब ना ए बी सी से कहला कौन छुए ना ए बी इज इक्वाल टू एस सी सरगला ता अर्थ आम एत बुझा दरकार कौन आम निज तरफ आगे डिराइव कर जाए ये कोणटा सी कोण परिमाण क्या सहित इक्वाल हम ना एस सी सहित इक्वाल हम कहीं हम ना सामान बाहूर गोटे त्रिभुजर सामान बाहूर विपरीत कोण मान सामान तेणु आमको मुझे जानी कौन ना बी इज इक्वाल टू कोण सी एत कथा मतलब जना सी कहे बी कोण परिमाण 30 डिग्री राइट यहाँ जी 30 डिग्री है तो फिर सी कोण परिमाण कथ बोले ना हूँ 30 डिग्री सी कोण परिमाण भी हम कथ 30 कहीं बी इज इक्वाल टू सी तो बी प्लस सी के पे बी प्लस सी इज इक्वाल टू 60 डिग्री तो ए रिमाण के ना सर 120 डिग्री कहीं 180 रू जदि 60 को वियोग करदेवी त्रिभुजर तीन कोण समस्त है 180 डिग्री 180 रू जदि 60 को वियोग करदे ये दुटा को 60 डिग्री को जब वियोग करदे तो मो पाखे जहाँ बड़ी पड़ा सहीटा हूँ मोर तृतीय कोण परिमाण जार परिमाण के पे 120 डिग्री लिखिदे हे चलो भल कथा लिखिदे जावा तापर क्वेश्चन को जीवा टिके देखो
ए क्वेश्चन तुमको जाना थी ये दुईटा खंडे दुई तीन टा जगार तुमको टे इनफर्मेसन देवार आवश्यकता अच्छी केवल से कथा उपर अधिक स्ट्रेस दूसरी तथा प्रथम गोटे दुटा क्वेश्चन कर देखो ये 130 अच्छी आमको जाना अच्छे 70 प्लस एक्स खाली लिखी दूसरे 70 प्लस एक्स इज इक्वाल टू 130 डिग्री क्वेश्चन कौन कही एक्चुअली कह निम्न दि जाइए प्रत्येक चित्र में एक्स चिन्हित कोणर परिमाण स्थिर कर मतलब जो जो जगार एक्स लेखा जाए एक्स लेखा जाए एक्स लेखा जाए तार मूल्य के बाहर करने पड़े कोण परिमाण के बाहर करने पड़े आमको जना अच्छे प्रथम फिगर को आस आई को आमको जना अच्छे त्रिभुजर बहिष्ट कोणर परिमाण यार अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर परिमाण संगर समष्टि संगे सामान तो 70 प्लस एक्स इज इक्वाल टू 130 डिग्री तो एक्स इज इक्वाल टू 130 माइनस 70 हुई इज इक्वाल टू आई थिंक ना 60 डिग्री राइट 60 डिग्री ओके नेक्स्ट ये देखि यटा को देखि अच्छा या को मुझे 50 डिग्री विपरीत जो कोण अच्छे प्रत्येक कोण ये कैसे है बोले 50 डिग्री सरीगला अच्छा एबे तुम्हें बहिष्ट कोण उपवाद्य हिसाब से सल्व करो बा त्रिभुजर तीन कोण समष्टि हिसाब से सल्व करो हो कहीं देख जदि त्रिभुजर तीन कोण समष्टि हिसाब से जो तो आगे ये कोणटी को बाहर कर दिव्य 125 अपोजिट रे कहीं यहाँ हूँ सरल जोड़ी कोण तो ये कोणटा के मत कह आई थिंक 55 डिग्री देख ल 55 है जी 30 हाँ 50 180 तो बर्तमान दुईटा मिल जाएगी तृतीयटा बाहर करने पार ठीक अच्छे 55 50 है 105 आउ्य कोणटा हो तुम 75 डिग्री तुम अन्य कोणटा यहाँ हो 75 डिग्री अदरवाइज आउ कौन कर ना ये 50 लिखीदेला कोणटा को बाहर कर आवश्यकता ना कौन कर 125 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स सेमती भी करदे पार कहीं त्रिभुज बहिष्ट कोणर परिमाण तार अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर परिमाणर समष्टि संगे सामान ठीक अच्छे चलो कंपटे तुम सल्व करनी ठीक अच्छे यहाँ तो फिल इन द ब्लैंक्स भाई क्वेश्चन अच्छे ना एटा जब 125 तृतीय फिगर को आस एटा 45 तो ये जो कोणटी ना जो रेड कर्णर में मुझे मार्क कली एटा के कहले पे ना यहाँ यहाँ 80 डिग्री हम कहीं त्रिभुज बहिष्ट कोणर परिमाण तार अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर परिमाण समष्टि संगे सामान तो 80 प्लस 45 इज इक्वल टू 125 होगा बामती कर नहीं पारे सरल जोड़ी कोण हिसाब से सरल जोड़ी कोण हिसाब से या सल्व कर पारे ये कोणटी को बाहर करता ये दुटा को जो कर पुणी 180 वियोग कर देते कोणटा मिल जाता अच्छा देख बर्तमान यूँ लाइनटा ना यहाँ गोटे सरल रेखा तो ये कैसे डिग्री अंकन कर 180 डिग्री बर्तमान देखि दैट मीनस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एक्स 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वाल टू 180 डिग्री तो एक्स इज इक्वाल टू यहाँ होगा कैसे पे 140 180 माइनस 140 डिग्री हुई इज इक्वाल टू 40 डिग्री लिखिद ये 40 डिग्री ठीक अच्छे ना सिमिलरली यहाँ को तुम निजे सल्व कर यहाँ 132 अच्छी ये कोण को बाहर करनी एटी 100 कैसे अच्छीतापर ये यहाँ को तुम बाहर कर ना के कह एक्चुअली ना 48 आई थिंक 48 यहाँ यहाँ 48 हे ठीक अच्छे ना 48 रे के जुग कले 126 हम यहाँ बहिष्ट कोण हिसाब से नहीं जाओ बहिष्ट कोणर परिमाण अंतस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर परिमाण समष्टि संगे सामान ये 78 आई थिंक देखी दि 126 रु जदि 48 को माइनस करुच तो कैसे मिलूँ देखि 78 मुझे भावुँ 78 हे बोली ठीक अच्छे ना ओके देखि 78 हे यहाँ 78 डिग्री हे ठीक अच्छे अच्छा देख दुटा चित्र कथा मुझे एक्चुअली कहती मुझे जो कहती ना टिके कि इनफर्मेसन बाहर जो मैंने हूँ जो दुटा मे भी अनोन थी मुझे जानी पी देख जो भी ना ये डबल एरो अच्छी से दुटा लाइन मन रख पैराल मैंने समांतर या मुझे नेमिंग दे दूँ दे तुमको इजी हो बी एटा को देदेली सी एटा को देदेली डी एटा हूँ मोर ओ बिंदु देख ये डबल एरो अच्छी ना ये क्या सहित अच्छी ना या सहित दैट मीनस यार अर्थ कौन जान मुझा ही केवल कहना चाहूँगी ए बी पैराल टू सी डी आउ बाकी तुम्हें सल्व कर नहीं पार एकांतर कौन कनसेप्ट हिसाब से देख ये जदि 80 है बर्तमान ए बी आउ सी डी दुटा समांतर सरल रेखा ए डी हूँ तार छेदक जहाँ फल बी ए ओ बा बी ए डी कोण परिमाण क्या सहित इक्वाल हम कह यो कोणटा ए डी सी कोण परिमाण सहित इक्वाल हम ठीक अच्छे बुझे ना तो फिर ये भी हो 80 डिग्री अच्छा ये जदि 80 यहाँ 45 डिग्री यहाँ के ना 80 प्लस 45 प्लस एक्स इज इक्वाल टू 180 तो एक्स इज इक्वाल टू 180 माइनस ये दुटा जोगफल कैसे है बोले 125 राइट 125 डिग्री देन यहाँ जो मोर हो जाटा के कह 55 आई थिंक 55 डिग्री ठीक अच्छे एक्स इज इक्वाल टू के मोर ना 55 डिग्री ठीक अच्छे
आ कुछ एनी ऑब्जेक्शन? चलो एटा मोर 55 डिग्री हो गला। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, आउ कुछ पचार नहीं ना ना तापर कौन ये सेम 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 फिगर ये अच्छे सेम फिगर ये अच्छे। सपोज यहाँ को मुझे धरने पी, एटा हूँ मोर क्यू, ये हूँ आर, एटा हूँ एस, एटा गोटे कौन से देदि एटा ओ दे दियो। ठीक अच्छे ना, बर्तमान देख डबल एरो अच्छी ना, डबल तीर चिन्ह अच्छी ना, ता माने हूँ पी क्यू कौन ता माने ना पी क्यू पैरेलल टू आर एस। आउ ये छेद कर रखा किए ना हूँ आर क्यू, ये लिखी नी मो प्रथम टाइम आर क्यू हूँ मोर छेदक। तो फिर एकांतर कोण मान समान पत्र एटा जदि 30 हेची ए कोणटी भी केते डिग्री हेबो 30 डिग्री। एक्स कोउडी होची, अरे से ता माने ए क्वेश्चन ना ना एटा मो एक्चुअली बहिरु नैची, मे बी तुम बहिरे ए जगह रे मिसिंग थियो से एक्चुअली ए कोणटा को पचारि। ठीक अछि ना, एटा होची एक्स डिग्री। ठीक अछि, क्वेश्चन एक्चुअली मिसिंग अछि मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक थियो बोली मतलब मो बहिरु डायरेक्ट नैथिनी फिगर पिक्चर टिक। ठीक अछि ना, यहाँ हूँ एक्स डिग्री। तो फिर यहाँ हूँ 50 प्लस 30 के है 80, 80 में मुझे जो कले यहाँ एक्स हम ना एक्स इज इक्वाल टू 100 डिग्री, ये एक्स लिखा है भले। ठीक है, जब बहर मिस्टेक जब भूल बस देखो क्या द्वारा भी मिस्टेक हो जाए, मुझे जे भी हो मिस्टेक हो जाइपर कहीं समस्त मनुष्य। ठीक अच्छे ना, सेमती हो जाए प्रिंटिंग मिस्टेक मे भी अच्छी मुझे भावुची बहरे, तुम गोटे काम कर सही पुट करदे या तो फिर मोर भूल हो जा फिगर रखु रखु मे भी मिस्टेक कर देखी सेमती कही पारे मुझे मतलब लगुच यहाँ मिस्टेक अच्छी बोली। ठीक अच्छे, लगुच मैंने यहाँ मिस्टेक मैंने मोर मिस्टेक होता पे बहि अच्छी कौन देखिद कि कौनटे से पचारे ये हूँ तुम्हारे। ठीक अच्छे, ओके नेक्स्ट, ये जो सिंगल लाइन दुटा ड्र होती ना बिले ये देखिए, ये गोटे सिंगल लाइन, ये गोटे सिंगल लाइन, या अर्थ से दुटा कौन सामान। हाँ, युवा कहूँ टर्म तुमको जाना दरकार क्या। ठीक है, मैंने टर्म टर्म इन देंस युवा कहूँ टी छुटिया छुटिया जो विषय में तुम्हारे नलेज रहा दरकार क्या। डबल एरो अच्छी मैंने पैरेलल लाइन क्या से कहूँ, डबल एरो एरो मैंने तीर चिन्ह। ठीक अच्छे ना, अच्छी मैंने हूँ सी क्या कथ कह कहली हूँ पैरेलल लाइन बा समांतर सरल रेखा कथा से कहूँ, तो समांतर सरल रेखा उपाधि हिसाब से ये एकांतर कौन सामान से हिसाब से प्रूफ करदे। ठीक अच्छे, पाइले एक्स मूल्य ये देख यहाँ ये गोटे गोटे सिंगल लाइन दिखाई ना, दैट मीनस ये दुटा कौन ना ये दुटा कौन हो इक्वाल, तो ये एक्स है पिला कौन हो ये भी एक्स डिग्री, दैट मीनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वाल टू 70 प्लस 56। मुझे डायरेक्टली कहली कहीं कहली डायरेक्टली कहल देख पिले तुम्हें आम जाने यहाँ हूँ बहिस्त कोण, ये टोटालटा हूँ बहिस्त कोण, यार परिमाण ये दुटा कोण समष्टि संगे समान। तो फिर 2x इज इक्वाल टू लिखिद 6 126, तो x इज इक्वाल टू 126 डिवाइडेड बाय 2 एटा हो 63 आई थिंक, हाँ 63 डिग्री। तो फिर x रो मूल्य होगा 63 डिग्री। ठीक अच्छे, चलो आउ कौन ऑब्जेक्शन अच्छी, आउ किसी ऑब्जेक्शन अच्छी कि 63 डिग्री। अच्छा पिले आज पाई तुमको आउ थे कही रखे ई ट्यूशन एवं आप्लिकेसन हिसाब से ना गूगल प्ले स्टोर उपलब्ध, जदि पॉसिबल ताको डाउनलोड करनी आम इनस्टल कला बेल केवल तुम मोबाइल नंबर नाम आउ क्लास। ठीक है, ये जदि पिला तुमको ये भिड गुड़ा भल लगुच रिक्वेस्ट टू यू निज सांगसाथी सहित सेयार कर। ठीक अच्छे, थैंक यू फॉर द डे, हैव अ गुड डे।